जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। या हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। इस वीडियो में हम आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाले हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। तो आज 3 जनवरी है 2023, नव वर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जनवरी 2023 से गंगा एक्सप्रेसवे का सड़क का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो कि मेरठ से शुरू होकर के प्रयागराज तक बनने वाला है। निर्माण के लिए जो कि कंप्लीट लक्ष्य रखा गया है 2025 में कुंभ मेले से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है एक्सप्रेसवे निर्माण के लिए। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे एक्सप्रेसवे हैं जिनका निर्माण कार्य बहुत ही तेज गति से हो रहा है। इसी क्रम में हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे के बारे में। दोस्तों, भारत में जितने भी एक्सप्रेसवे हाईवे स्टेट हाईवे का निर्माण कार्य हो रहा है, और ख़ास करके उत्तर प्रदेश में जितने भी एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है, आप लोगों को इस चैनल पर उन सभी लेटेस्ट अपडेट की जानकारियां मिलती रहेंगी। दोस्तों, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करके रखना है, ताकि हम जो भी वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड करें अपने इस चैनल पर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। 594 किलोमीटर गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना उत्तर प्रदेश के 12 जिलों को कवर कर रही है। उसमें से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़, और लास्ट में जो है वो प्रयागराज जिले शामिल हैं। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना 6 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड परियोजना है, जिसे भविष्य में 8 लेन तक विस्तार किया जा सकता है। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना में शाहजहांपुर में एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी का निर्माण भी किया जाएगा, जिसकी लंबाई 3.5 किलोमीटर की रहेगी, जहां पर आपात स्थिति में वायुसेना के विमानों को उतारा जा सके। इस हवाई पट्टी बनाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर एयर कनेक्टिविटी भी शाहजहांपुर में की जा रही है। अभी तक कॉरिडोर के साथ साथ 2 पुलों की योजना बनाई गई थी। गंगा नदी पर 960 मीटर लंबा और राम गंगा नदी पर 720 किलोमीटर लंबा पुल बनाने की भी परियोजना है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कुल 18 फ्लाईओवर और 8 रोड ओवर ब्रिज भी बनाए जाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पूरी तरह से कंप्लीट हो जाने के बाद 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहनों की गति को निर्धारित किया गया है। करंट में गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना की बात की जाए तो जमीन समतलीकरण का कार्य बहुत ही तेजी से चल रहा है, और 2025 में होने वाले कुंभ मेले से पहले गंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। और दोस्तों, यदि इस चैनल पर आप लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों को किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट एक्सप्रेसवे के साथ। तो तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।